आजादी के दीवानों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम आजादी के दीवानों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद दिलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। सबसे पहला योद्धा बनकर आया, 1857 में उसने थपगुल बजाया। अंग्रेजों की नीति उसको रास नहीं आई, ईस्ट इंडिया की कंपनी में था वो एक सिपाही। एक कारतूस अंग्रेजों ने ऐसा बनाया है, चर्बी उसमें मिलाया है। दांतों से उस कारतूस को काटना पड़ता था, हिंदू हो या मुस्लिम सबका धर्म बिगड़ता था। इसके खिलाफ ही वो अपनी आवाज उठाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। मंगल पांडे की गोरों ने नहीं जो बात सुनी, एक अंग्रेजी अफसर से फिर हो गई तनातनी। धर्म नष्ट करने का उसने लिया है फिर बदला, उस अफसर पे कर दिया उसने जानलेवा हमला। पकड़ के मंगल पांडे को है जेल में बंद किया, तरम किनारे को उसने बुलंद किया। करके कोर्ट मार्शल फिर फांसी का हुक्म सुनाया, मंगल पांडे अंग्रेजों से बिल्कुल ना घबराया। 8 अप्रैल को फिर फांसी पे उसे लटकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। के दूसरे नायक खुदी राम है बोस, आजादी की जंग में कूदे जब से संभाला हो। मिदनापुर बंगाल में तो है उनका जन्म हुआ, आलोक के नाथ पिता है उनके माँ लक्ष्मी प्रिया। एक अंग्रेज के परिवार को उसने मार दिया, बचपन से ही आजादी का है प्रचार किया। था 1908 और महीना अगस्त 11, खुदी राम जब चढ़े थे फांसी उम्र थी सिर्फ 18।
उनके नाम की धोती खास जुलाहे बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। तीसरा इन दीवानों में है भगत सिंह का नाम, इनकलाब रहे जिंदाबाद ये उसी का है परिणाम। जलियांवाला बाग कांड जो डायर ने करवाया, हादसे को कभी भगत सिंह तो सहन न कर पाया। हत्या कर दी सांडर्स उसने जाके लाहौर, असेंबली में फेंक दिया बम, बड़ा हुआ है सो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीन है ऐसे नाम, हर एक भारतवासी करता दिल से इन्हें सलाम। वतन के आन में जो हंस कर फांसी चढ़ जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। अगले सेनानी कहलाते हैं सुखदेव था, पर अंग्रेजी सरकार की नींव को जिसने रखा हिलाकर। अंग्रेजों का देख रहे थे वो तो अत्याचार, सोच लिया अब नहीं रहेगी ये ब्रिटिश सरकार। युवाओं के हाथ में दे दी आजादी की मसाल, किए जेल में बंद तो कर दी वहां भूख हड़ताल। अंग्रेजी सरकार को उसने ना को चने चबाए, सोच रहे सुखदेव से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। साथ भगत सिंह के उसको फांसी लटकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। एक स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के पूना में थे गणित के अध्यापक। आलोचना में अंग्रेजों की छापने लगे अखबार, उसको पढ़कर विचलित बड़ी हुई थी ब्रिटिश सरकार। भारतीयों ने पढ़ा जो उसको सर पे चढ़ा जुनून, फिर अंग्रेजी अफसरों का करने लगे वो खून। इसी जुर्म में अंग्रेजों ने उन्हें भेज दिया जेल, अपनी कलम से आजादी की रहे जंग वो झेल। राष्ट्रवादी सेनानी ये माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। एक आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद, अंग्रेजी सेना को जिसने दिला दीनानिया, रिपब्लिक एसोसिएशन के बने सदस्य, अंग्रेजों में छाने लगा है इनके नाम का भय। काकोरी में अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया, ना कभी अंग्रेजों को जीने इन्होंने दिया। अल्फ्रेड पार्क में बैठे लिया अंग्रेजों ने घेर, तीन सिपाहियों को तो कर दिया मार के गोली ढेर। अपने आप ही वीर गति को फिर ये पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। चंद्र बोस भी हैं जिन्हें कहते नेताजी, अंग्रेजों से लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध में लड़ी। आजादी के नाम आजाद हिंद फौज है बनाई, मित्रता की है हिटलर से ये चर्चा में है आई। बन के कमांडर दिल्ली चलो का दिया था फिर नारा, खून के बदले आजादी ले लक्ष्य है यही हमारा। 1845 सन में जा रहे जापान, दुर्घटना की भेंट चढ़ गया बोस का जो था विमान। कोई इनके शव को लेकिन ढूंढ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। वीरांगन रानी लक्ष्मी बाई, 14 वर्ष की आयु में ही इनका हुआ विवाह। इनके पति झांसी के राजा गंगाधर राव, ना माना ब्रिटिश कानून को साफ किया इनकार। खूब लड़ी मर्दानी वो तो ले अपनी तलवार, लेकिन रण में मजबूरी वश रानी ने फिर छोड़ दिया बादल। इसी बात का फायदा तो अंग्रेज उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम। हे देश के वीर जवान, हम करते तुम्हें सलाम।
रानी लक्ष्मी बाई ने लिया अंग्रेजों से लोहा, लेकिन अपने घोड़े को तोरण में है खोया। बदल लिया घोड़ा रानी ने समझ के उसके जैसा, लेकिन जैसा सोचा था ना निकला वो ऐसा। एक नाले कौन का घोड़ा कूद नहीं पाया, पीछे से फिर एक अंग्रेजी सैनिक है आया। मारी है तलवार रानी के सर के बीचों बीच, लेकिन रानी ने मुड़कर फिर तो मार दिया बोनी। कई अंग्रेज सिपाही वहां फिर तो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम। दुष्टों ने रानी को धोखे से मारा, नारी सशक्तिकरण का दूसरा नाम लक्ष्मी बाई। भारत की नारी मर्दों से कम ना कहलाई, कहीं लक्ष्मी है नारी और कहीं पे है काली। अब तो सरहद पे भी करती बेटियां रखवाली, नहीं रही ये अबलाय, अब तो इनमें दमखम है। हो कोई भी फील्ड नहीं ये मर्दों से कम है। नारी के सम्मान में हम भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम। मार्ग को अपना कर रोक दी है आधी, भारत छोड़ो आंदोलन तो बापू ने है चलाया। अंग्रेजी वस्त्रों को भी तो नहीं है अपनाया, डांडी यात्रा पे निकले तो भारत पीछे आया। चलाया चरखा और इन्होंने खुद ही नमक है बनाया। सिद्ध बच्चों में अपने नेहरू चाचा, अंग्रेजों के खिलाफ रहा है नायक ये साचा। प्रधानमंत्री भारत के पहले बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम। जो अपना लोहा मनवाने ऐसे ही ना, ये आजादी हमने पाई है।
सबने लड़ी लड़ाई है। एक रहो और नेक रहो ये हमने माना है, किसी के बहकावे में भाइयों कभी ना आना है। डीएस पाल कहे इस देश को देना नहीं टूटने, रहे अखंड ये भारत फौजी सुरेश के हैं सपने। लेकिन स्वार्थी लोग हैं जो हर दम बहकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो भारत को गोरों से आजाद कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम, हे देश के वीर जवान हम करते तुम्हें सलाम।
जिसमें भाईचारा लगता है हम सभी को अपने प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपने प्राणों से प्यारा ऐ मेरे वतन के लोगों ये जो हिंदुस्तान मेरी जान तिरंगा है मेरी शान तिरंगा है सारे भारतवासियों का मान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी शान 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 तिरंगा है
सारी दुनिया से है न्यारी। झांसी की रानी
लक्ष्मी बाई। उसने ये आवाज उठाई,
हंसते हंसते फांसी का फंदा। भगत सिंह ने गले में डाला
करके किया जो हमला, घर में घुस कर भी मारा। छुप करके किया जो हमला, घर में घुस कर भी मारा। भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, है स्वाभिमान हमारा। कोई दुश्मन कर नहीं सकता डट कर के सामना हमारा। भरी कूट कूट कर हम में देशभक्ति की धारा। एक जोश नया जगता है सुनकर जय हिंद का नारा। एक जोश नया जगता है सुन वंदे मातरम नारा। भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, है स्वाभिमान हमारा। यहाँ हुए हैं वीर शिवाजी और भगत सिंह जन्मे। यहाँ खूब लड़ी मर्दानी झांसी के रण में। जिसने मरते मरते भी कई अंग्रेजों को मारा। जिसने मरते मरते भी कई अंग्रेजों को मारा। भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, भारत की मिट्टी में है स्वाभिमान हमारा, है स्वाभिमान हमारा। रहा है आज सबसे देश का ये संविधान, कह रहा है आज सबसे देश का ये संविधान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान। कह रहा है आज सबसे देश का ये संविधान, कह रहा है आज सबसे देश का ये संविधान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान। रस्ते पे चलना ही हमारा धर्म है। एकता और देश की सेवा ही अपना कर्म है। प्यार के रस्ते पे चलना ही हमारा धर्म है। क्यों करें कमजोर इसको देश है अपना महान। करें कमजोर इसको देश है अपना महान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान।
एकता से देश की आजादी हमने पाई है। देश का हर नागरिक आपस में भाई भाई है। एकता से देश की आजादी हमने पाई है। देश का हर नागरिक आपस में भाई भाई है। जितने भी हैं देशवासी सब यहाँ के एक समान। जितने भी हैं देशवासी सब यहाँ के एक समान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान। एकता से सबको मिलकर देश की रखना है लाज। दिल से सारे भेदभाव साफ कर डालेंगे आज। एकता से सबको मिलकर देश की रखना है लाज। बात हमने दिल में अपने आज ही से ली है ठान। तो हमने दिल में अपने आज ही से ली है ठान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान। जिसके दिल में है मोहब्बत आदमी वो नेक है। साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। जिसके दिल में है मोहब्बत आदमी वो नेक है। साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। एक तरफ होती है पूजा एक तरफ होती अजान। एक तरफ होती है पूजा एक तरफ होती अजान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान। काबिल कहां था आपका अपना हिलाल। जो कहा है मैंने ये सब आप ही का है कमाल। वरना इस काबिल कहां था आपका अपना हिलाल। आप सब रख लीजिएगा मेरे लफ्जों का मान। आप सब रख लीजिएगा मेरे इन लफ्जों का मान। एकता और भाईचारे ही में है भारत की शान। मेरा भारत महान तिरंगा इसकी शान।
देश के बनाई जिसने विश्व में पहचान याद आएंगे जिनके कारण कहा जाए सदा भारत को महान याद आएंगे याद आएंगे आएंगे याद आएंगे याद आएंगे आएंगे याद आएंगे मेरे देश के जिसने विश्व में पहचान याद आएंगे मेरे देश की बनाई जिसने विश्व में पहचान याद आएंगे We'll be right back.
विश्व में।